नववर्ष की शुरुआत पुनीत कार्य से शुरू करते हुए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर रामपुर में रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने के लिए नववर्ष के पहले दिन ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में 1600 अधिक यूनिट रक्त विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया गया। रामपुर चिकित्सालय में भी कभी रक्त की कमी आने नहीं दी। रक्तदान शिविर के दौरान कई लोगों ने प्रथम बार रक्तदान किया और बताया कि प्रथम दिन रक्तदान महादान कर नववर्ष से ही लोगों में सकारात्मक सोच और सेवा भाव पैदा करना है। इस दौरान पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवारों ने भी नामांकन से पहले रक्तदान कर नए साल की शुरुआत की। खनेरी रक्त कोष के चिकित्सक संदीप नेगी ने बताया कि नववर्ष के प्रथम दिन ही रक्तदान सेवा परिवार की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया है। अब तक रक्तदान सेवा परिवार की ओर से एक वर्ष में 17 रक्तदान शिविर लगाकर 600 से अधिक यूनिट रक्त खनेरी चिकित्सालय को मुहैया करवाया है। चिकित्सालय में कभी रक्त की कमी आने नहीं दी, बल्कि शिमला भी यहां से रक्त भेजा जाता रहा है। आज सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, और जो ये रक्तदान सेवा परिवार है इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस हॉस्पिटल खनेरी के लिए। जो आज ये शिविर जो लगा है, 17वां शिविर है हमारे यहाँ पे। ये आज से पहले भी जो 16 बार जो शिविर लगा था उसमें कम से कम ये 600 से ऊपर जो डोनेशन करवा चुके हैं यहाँ पे। कभी भी इनकी वजह से हमारे को हॉस्पिटल में रक्त की कमी नहीं हुई। इवन तो ये शिमला में भी यहाँ से रक्त बेचते हैं और कभी भी हॉस्पिटल में इन चीज़ों का रक्त की कमी होने नहीं देते। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और करते रहें। धन्यवाद। डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने बताया कि आज नववर्ष के प्रथम दिन रक्तदान शिविर का आयोजन कर सकारात्मक शुरुआत हुई है। ये कार्य सेवा का है, रक्त कई लोगों को नया जीवन देता है, लोग ऐसे कार्य में आगे आए। इसके लिए सिर्फ मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आज 1 जनवरी 2021 है, तो एक नए साल से एक नई शुरुआत हुई है, और सबके लिए एक ही मैसेज दूंगा कि इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज ये एक लाइफ सेविंग टास्क है। और इसमें ज़्यादातर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। रोहित चर सिंह ने बताया कि वे नगर परिषद में पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नए साल के प्रथम दिन अपने जीवन का प्रथम बार रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि साल के पहले दिन से पुनीत कार्य का मौका मिला। मैं रोहित आशा सिंह मेहता, पार्षद पद का उम्मीदवार, वार्ड नंबर 5। मैं आज साल के प्रथम वर्ष में आज रक्तदान करने खनेरी हॉस्पिटल आया हूं, और ये मेरे जीवन का पहला रक्तदान है। मैं रामपुर की तमाम जनता से आगे आग्रह करता हूं, जैसे आज मेरी एक सोच आई है कि रक्तदान चूंकि एक महादान है जिसकी एक ब्लड की आवश्यकता हमारे समाज में हर एक इंसान को मुसीबत की घड़ी में पड़ सकती है, इसलिए मैं रामपुर की तमाम जनता से आग्रह करता हूँ कि वो जैसे आज मैं रक्तदान कर रहा हूँ वो सब भी प्रॉपर बाहर आए और रक्तदान को करें। रक्तदान सेवा परिवार के अध्यक्ष ज्योतिलाल ने बताया कि उनकी संस्था ने एक वर्ष में 1600 यूनिट रक्त विभिन्न संस्थानों में दिया। रामपुर ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और अन्य प्रदेशों में भी परिवार से जुड़े लोग आपात समय में रक्तदान करते हैं। मैं ज्योतिलाल, अध्यक्ष रक्तदान सेवा परिवार रामपुर की ओर से सबसे पहले तो मैं सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये सब के लिए ढेरों खुशियाँ लाए। आज ये नव वर्ष के उपलक्ष में जो हमने एक नई पहल शुरू की है ब्लड डोनेशन की, जिसमें हमने भी डोनेशन किया है, मैंने खुद 11वीं बार डोनेशन किया है, और मैं सभी से अपील करता हूँ कि ख़ास तौर पर युवा शक्तियों से कि वो ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए। तो अब तक रक्तदान सेवा परिवार ने कितने शिविर लगाए और कितना ब्लड डोनेट किया, कहाँ कहाँ आपके जो है वो वॉलंटियर्स हैं? अब तक हमने 17 कैंप लगा दिए हैं। ये हमारा यहीं ही नहीं, शिमला में, चंडीगढ़ में, अदर स्टेट में भी हमारी ये सेवा जारी है।